नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में हाजीपुर पूर्व पंचायत में बड़ी कोजर जन्ना में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आरकेएस के ट्रेनर रंजना माल्टो, एएनएम रूबी कुमारी सहिया, साथ ही सरिता देवी एवं बड़ी कोजर जन्ना की सहिया के साथ साथ किशोर एवं किशोरी भी उपस्थित थे, जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी गई, जिसमें लड़की को होने वाली समस्याओं के बारे में काफ़ी सरल भाषा में जानकारी दी गई एवं अगले माह 12 जनवरी को साहिबगंज के सिद्धू कान्हू स्टेडियम में सभी किशोर एवं किशोरियों को अच्छी तरह से समझाया जाएगा, जिससे कि किशोर एवं किशोरी की सारी गलत मानसिकता को दूर किया जा सके। मिर्जा चौकी से ग्रामीण रिपोर्टर राजेश कुमार दास की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका मैडम? मेरा नाम हुआ रंजना माल्टो। हम जो है कि स्वास्थ्य विभाग के जो है कि एक नया कार्यक्रम लॉन्च हुआ है किशोर किशोरी पर। इस प्रोग्राम का नाम है आरकेएस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य किशोर कार्यक्रम। ये जो है बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं। इसमें जो है कि तीन तरह का प्रोग्राम चलाया जाता है। AHD प्रोग्राम है इसमें, और एक है हेल्थ वेलनेस सेंटर है, युवा मैत्री केंद्र जिसको बोलते हैं। उसमें जो है ये जो आज के जो बच्चे हैं हमारे किशोर किशोरी, इनको जो है जो बाल विवाह है होता है और जो भी प्रोग्राम है जो बच्चों के साथ में हो रहा है, उन बच्चों के प्रोग्राम को देखते हुए हमने जो है कि ये किशोर किशोरी का चयन किए हैं। इसमें जो है कि एक किशोर एक किशोरी है, मतलब एक क्षेत्र से दो बच्चे को हमने लिए हैं। ये लोग अपने अपने एरिया में जितने किशोर किशोरी हैं, पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले, वो लोगों को ये लोग ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड करेंगे क्या, बाल विवाह जैसी बीमारी जो है कि जो बच्चों का छोटे उम्र में पढ़ना चाहते हैं उन लोगों का शादी ब्याह कर दिया जाता है पेरेंट्स द्वारा। और जो भी किसी को कोई प्रकार का कोई शिकायत है, या जैसे ये बच्चियां हैं अपने साफ सफाई के बारे में, मेंस के बारे में जो है कि इन लोगों को अपने माँ बाप से नहीं बात कर सकते हैं, तो ये लोग जो है कि अपने हम उम्र के साथ में चर्चा करेंगे और इस साफ सफाई के मैटर को जो है कि जो भी बीमारी जो गंभीर रूप ले लेता है वो सब बीमारी से मुक्त रहेंगी बच्चियां। यही सब मैटर पे जो है कि आज ये हमने एक दिवसीय प्रोग्राम करवाया है और बहुत जल्दी हम लोग गैर आवासीय प्रशिक्षण इन बच्चों को 6 दिन का देने वाले हैं। नहीं, ये तो लड़कियों की बात बताए, लड़कों का जो इसमें आप लिए हैं सिलेक्शन? दोनों है, लड़के लड़की दोनों हैं। लड़कों को क्या सिखाया जाएगा? लड़कों को भी सिखाया जाएगा, जैसे कि ये हम उम्र के जो बच्चे होते हैं आज के टाइम में भटक जाते हैं, नशा धूम्रपान गुटखा ये सब के आदि हो जाते हैं या कोई गलत रास्ता भटक लेता है। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि छोटे मोटे जो है लड़का लड़की का अफेयर के चक्कर में लोग बच्चे लोग अपने जान दे देते हैं। ये सब चीज बच्चों को बताया जाएगा और समझाया जाएगा और कोशिश करेंगे कि ये नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जल्दी ये बच्चे समझ जाएंगे तो जरूर ये सक्सेसफुल रहेगा। इसमें क्या और भी बच्चों को जोड़ा जाएगा क्या? हाँ, सभी बच्चों को गांव के, मतलब और भी बच्चों को लेना है इन बच्चों में को और भी लेना है, ये बच्चों को लेकर ही ये प्रोग्राम को जागरूकता करवा सकते। अभी 12 तारीख को जो है यूथ सम्मेलन होने वाला है सिद्धू कान्हू सभागार में, वहाँ हम सभी इन बच्चों किशोर किशोरी को वहाँ में बुलाएंगे और वहाँ में एक प्रोग्राम हो रहा है हमारा स्टेट लेवल पर।